नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा दसवीं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सूरदास नामक अध्याय का एक तैयार करने वाले हैं, जो परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा। प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए? आप इसे पूरा देखें। इसका उत्तर इस प्रकार से है कि गोपियाँ अपनी राजनीतिक प्रबुद्धता का परिचय देते हुए राजा का धर्म बताती हैं, यानी कि गोपियाँ जो है अपना जो उनकी उनकी जो राजनीतिक बुद्धि है उसका परिचय देते हुए राजा का धर्म इस प्रकार से बताती हैं कि राजा का कर्तव्य है कि वह किसी भी स्थिति में अपनी प्रजा पर कोई भी आँच न आने देवे, उसकी प्रजा पर कोई भी संकट नहीं आने देना चाहिए, यह राजा का कर्तव्य होता है। और हर संभव स्थिति में प्रजा की भलाई के लिए सोचे तथा नीति से राजधर्म का पालन करें। इसी प्रकार से एक राजा को प्रजा के सुख दुख का साथी भी होना चाहिए। हर सुख दुख में राजा को जिस प्रकार से प्रजा में जो भी परिस्थितियां बन रही हैं उनके साथ में रहना चाहिए, प्रजा की हर परेशानी में उसके साथ होना चाहिए। सिर्फ अपना सुख दुख देखने वाला व्यक्ति कभी भी अच्छा राजा नहीं हो सकता। तो प्यारे भैया बहनों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएँ, और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।